गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ग्राफ थ्योरी इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड अबाउट ग्राफ। ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय GVE। ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं GVE से। हर जी नेम ऑफ द ग्राफ, वी फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई होगा फाइनाइट सेट ऑफ एजेस। देयरफॉर अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ग्राफ जो है वो एक कलेक्शन होगा वर्टिसेस और एजेस का। इन दोनों के कलेक्शन को हम ग्राफ बोलते हैं। वर्टेक्स एंड पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, वर्टेक्स को हम एंड पॉइंट्स ऑफ ग्राफ बोलते हैं। इनको नोड्स एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं। एजेस लाइंस, जो ग्राफ के अंदर लाइंस होती है उनको हम एजेस बोलते हैं, और इनको हम आर्क्स, कर्व्स या फिर लाइंस भी बोल देते हैं। अब टर्न आती है एडजेसेंट नोड को अंडरस्टैंड करने की। एडजेसेंट नोड्स क्या होते हैं? वो नोड्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उनको हम एडजेसेंट नोड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन सब डेफिनेशंस को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। हियर इज द एग्जांपल ऑफ ग्राफ व्हिच इज डिनोटेड बाय GVE। हर वी रिप्रेजेंटेड बाय ABCDE। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? वर्टिसेस, या फिर जिनको हम नोड्स बोलते हैं। एंड एजेस ई का सेट बनेगा E1, E2, E3 up to E7। तो ये जो लाइंस हैं हमारे पास, ये जो एजेस हैं हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएंगी एजेस। एडजेसेंट नोड्स कौन से होंगे इसमें? जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लाइक AB हो गया, AB एडजेसेंट नोड्स हैं, BC एडजेसेंट नोड्स हैं, CD एडजेसेंट नोड्स हैं, बट AC नॉन एडजेसेंट नोड्स है, बिकॉज देयर इज नो एज बिटवीन A and C। सो A and C आर नॉन एडजेसेंट नोड्स। नाउ अब हम एज रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ग्राफ की। एज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज को रिप्रेजेंट करते हैं EI से। I गोज टू 1 up to N। किसी भी ग्राफ में E ऑफ I रिप्रेजेंट होगा आइदर U टू V और V टू U। दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो मैं U टू V किसी एज को लेकर चल रही हूँ, या फिर मैं V टू U किसी एज को लेकर चल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्राफ लिया ABCND एंड 4 एजेस हैं इस ग्राफ में। इवन की रिप्रेजेंटेशन ए टू बी हो या फिर बी टू ए, एक्चुअल में इवन एज सिंगल है, तो इवन की रिप्रेजेंटेशन ए टू बी या फिर बी टू ए पॉसिबल है। सेम केस में अगर मैं E3 लेकर चलूँ तो E3 की रिप्रेजेंटेशन आइदर C2D और D2C दोनों पॉसिबल है। तो ये हमारा E3 एज होगा, जो D2C भी पॉसिबल है एंड C2D भी पॉसिबल है। तो जो U है, U इनिशियल वर्टेक्स भी हो सकता है और U फाइनल वर्टेक्स भी हो सकता है। सेम केस में V जो है वो इनिशियल वर्टेक्स भी हो सकता है और फाइनल वर्टेक्स भी हो सकता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजेस। टाइप्स ऑफ एजेस हमारे पास 3 टाइप्स के एजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल एज, सेकेंड वन इज मल्टी एज एंड ऑल्सो नोन एज पैरेलल एज, एंड थर्ड वन इज सेल्फ लूप। सबसे पहले हम सिंपल एज का कंसेप्ट लेकर चलते हैं। सिंपल एज, एन एज इंसिडेंट ऑन ओनली 2 वर्टिसेस। जब कोई एज 2 वर्टिसेस के ऊपर इंसिडेंट होता है तब उसको सिंपल एज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इवन इंसिडेंट ऑन A and B। मल्टी एज या पैरेलल एज, एज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, मल्टी, देर आर मल्टीपल एजेस इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो ये हमारा कंसेप्ट होगा मल्टी एज का या फिर पैरेलल एजेस का। E1, E2 बोथ आर मल्टीपल एजेस बिकॉज इंसिडेंट ऑन, बोथ आर इंसिडेंट ऑन A and B। सेल्फ लूप, ओनली 1 एज इंसिडेंट ऑन ओनली 1 वर्टेक्स, तो वो सेल्फ लूप का कंसेप्ट होगा। हियर E1 इंसिडेंट ऑन ओनली A, तो E1 जो होगा वो हमारा सेल्फ लूप का काम करेगा।